Michelangelo, vola! L'uomo senza gravità è volato via. हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में द मैन विदाउट ग्रेविटी नाम की एक ड्रामा फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की कहानी एक आदमी पे बेस्ड है जो कि एक अजीब सी सुपर पावर के साथ पैदा हुआ था। इस पावर की वजह से उसे बचपन से ही हमेशा अकेले रहना पड़ा था। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और इस आदमी की स्टोरी को जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम नेटालिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। उसके डिलीवरी का टाइम भी पास आ गया होता है, इसलिए अपने मॉम के साथ हॉस्पिटल गई होती है। उसकी मॉम का नाम एलिना था। हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए एक नर्स को नेटालिया की डिलीवरी करनी पड़ती है। जो बच्चा पैदा हुआ होता है वो काफ़ी अजीब सा होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है। वो तीनों ये देख के हैरान हो जाते हैं। असल में इस बच्चे पे ग्रेविटी का असर ही नहीं होता था। नेटालिया अपने बच्चे को देख के काफ़ी खुश होती है। वो दोनों समझ चुके थे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल से निकल जाते हैं ताकि ज़्यादा लोग उसके बारे में ना जान पाएं। नेटालिया और उसकी मॉम उस बच्चे को लेके घर पे आते हैं। उसकी मॉम काफ़ी चिंता में होती हैं और वो कहती हैं कि किसी को भी इस बच्चे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो दोनों इस बात से एग्री करते हैं और फाइनली उस बच्चे का नाम रखा जाता है जो कि है ऑस्कर। ऑस्कर की देखभाल करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो कभी भी हवा में उड़ जाता था। उसकी ग्रैंडमा इसीलिए उसके लिए स्पेशल बेल्ट्स बनाती हैं और वो लोग छत को भी चद्दर से कवर कर देते हैं ताकि वो अगर हवा में उड़े तो फिर उसे चोट ना लगे। वो ऑस्कर को कभी भी बाहर नहीं छोड़ते थे क्योंकि उन्हें डर था कि ये हवा में उड़ के कहीं पे खो जाएगा। टाइम के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होने लगता है और वो घर पे ही रहा करता था। ऑस्कर हमेशा सुपर हीरोज के कार्टून देखा करता था और उसे लगता था कि वो खुद भी एक सुपर हीरो है। वो घर से बाहर जाना चाहता था लेकिन उसकी मॉम और ग्रैंडमा उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देते थे। वो हमेशा खिड़की से बाहर बच्चों को देखा करता था। एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे पकड़ लेती हैं और वो उसे डांटती हैं। वो उससे कहती हैं कि तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगे और अपने सारे काम घर में ही करोगे। ऑस्कर की मॉम ये सुन के गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि उसे लाइफ में कभी न कभी अकेले तो बाहर जाना ही पड़ेगा और वो हमेशा उसका ख्याल नहीं रख सकते। नेटालिया डिसाइड करती है कि वो ऑस्कर को बाहर जाने में हेल्प करेगी। वो ऑस्कर के पॉकेट में कुछ पत्थर डाल देती है ताकि वो हवा में ना उड़ जाए और इसकी मदद से वो बाहर भी जा सकता था। इसके बाद नेटालिया उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और वो कहती है कि वो किसी को भी अपने पावर के बारे में ना बताए। ऑस्कर भी अपने मॉम की बात मान लेता है। इन्हीं सब के बीच एक दिन वो बाहर गया होता है और तभी एगाटा नाम की एक लड़की आके उससे टकरा जाती है। एगाटा का सारा सामान नीचे गिर जाता है। ऑस्कर उसकी खड़े होने में हेल्प करता है और एगाटा उसे दो बॉटल पकड़ा देती है और कहती है कि इन्हें तुम मेरे साथ ले चलो। ऑस्कर शुरू में तो हेजिटेट करता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे घर से दूर जाने से मना किया था, लेकिन बाद में वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ऑस्कर उन दोनों बॉटल्स को लेके चलने लगता है पर तभी उसे चलने में प्रॉब्लम होने लगती है और इसलिए वो अपने जेब से पत्थर निकाल के फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों साथ में एगाटा के घर पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो ऑस्कर से पानी की बॉटल्स मांगती है लेकिन ऑस्कर उन्हें देने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने बॉटल्स को दिया तो फिर वो उड़ जाएगा। लेकिन एगाटा इस बात को नहीं जानती थी और वो उससे बॉटल्स छीन लेती है और अगले ही पल ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। वो उड़ते उड़ते छत तक पहुंच जाता है। एगाटा ये देख के हैरान हो जाती है। ऑस्कर एगाटा से हेल्प मांगता है और एगाटा घर के अंदर जाती है और अपना पिंक बैग लेके बाहर आती है और वो उस बैग को ऑस्कर को दे देती है। बैग में कुछ वेट्स होते हैं और इसलिए ऑस्कर नीचे आ जाता है। यहाँ पे ऑस्कर और एगाटा अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और ऑस्कर उससे कहता है कि वो ये बात को किसी को भी ना बताए। ऑस्कर की मॉम और ग्रैंडमा काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया होता है। उन्हें लग रहा होता है कि कहीं वो हवा में तो नहीं उड़ गया वापस से। लेकिन तभी ऑस्कर उसी पिंक बैग के साथ घर वापस पहुंचता है। ऑस्कर की मॉम उससे पूछती है कि कहीं उसने अपने पावर के बारे में किसी को बताया तो नहीं, लेकिन ऑस्कर अपनी मॉम से झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने किसी को भी नहीं बताया। एगाटा हमेशा ऑस्कर से मिलने के लिए आती थी और उसकी मॉम भी इस बात से काफ़ी खुश थी कि अब ऑस्कर के पास एक फ्रेंड है। लेकिन एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि एगाटा भी ऑस्कर के राज के बारे में जानती है और उस दिन के बाद से उसकी मॉम ऑस्कर और एगाटा को कभी भी मिलने नहीं देती है। एगाटा अक्सर उससे मिलने के लिए आती थी लेकिन उसकी मॉम उसे कभी भी ऑस्कर से मिलने नहीं देती थी। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि आसपास के नेबर्स को ऑस्कर की मॉम और ग्रैंडमा पे शक होने लगता है क्योंकि वो कभी भी ऑस्कर को घर से बाहर नहीं आने देते थे और इसलिए वो ये सारी बात पुलिस को बता देते हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर पे आती है और वो ऑस्कर को स्कूल भेजने के लिए कहती है। ऑस्कर स्कूल जाने लगता है और उसकी मॉम उसे लेने के लिए आया करती थी, लेकिन वो लोग ये भी समझ चुके थे कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है और इसलिए वो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं
और काफी दूर की एक जगह में रहने लगते हैं। हम देखते हैं कि ऑस्कर काफी बड़ा हो चुका होता है, उसके ग्रैंडमा की भी डेथ हो चुकी होती है और नेटालिया भी बूढ़ी हो चुकी थी। ऑस्कर अभी भी अकेले ही रहता था और उसकी लाइफ एक कमरे तक ही सीमित थी, पर अभी भी उसके पास वो पिंक बैग होता है जो कि एगेटा ने उसे दिया होता है। ऑस्कर अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। एक रात ऑस्कर एक टीवी प्रोग्राम देखता है जिसका नाम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। उस प्रोग्राम में लोग अपने टैलेंट्स को दिखाया करते थे और उसके लिए उन्हें रुपए भी मिलते थे। ऑस्कर ये देख के काफी खुश होता है, वो इस बात को तो जानता ही था कि वो नॉर्मल लोगों से काफी अलग है। ऑस्कर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता था और वो अपने मॉम को भी इस ड्रीम के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती हैं। पर एक दिन वो अपनी मॉम को बिना बताए घर से चला जाता है। वो उसी शो में जाता है और अपने टैलेंट को दिखाता है। ऑस्कर की वजह से वो शो काफी पॉपुलर हो जाता है और उसकी मॉम भी उसे टीवी पे देख लेती है। उसकी मॉम उसे वापस लाना चाहती थी लेकिन ऑस्कर वापस नहीं आना चाहता था। ऑस्कर काफी पॉपुलर हो चुका था और एक दिन उससे एक डेविड नाम का आदमी मिलने के लिए आता है। डेविड पहले एक म्यूजिशियन था लेकिन अब वो ऑस्कर का मैनेजर बनना चाहता था। वो ऑस्कर से कहता है कि वो उसे काफी पॉपुलर कर सकता है। ऑस्कर भी डेविड की बात मान लेता है क्योंकि वो खुद भी पॉपुलर होना चाहता था। ऑस्कर कई सारे शोज अटेंड करता है और वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। ऑस्कर के पास पैसा भी होता है और फेम भी, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होता है। उसे लग रहा था कि आसपास के लोग बस उसका यूज कर रहे हैं। ऑस्कर बचपन में सुपर हीरो बनने का ड्रीम देखा करता था लेकिन अब वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन के रह गया था और वो खुद भी इस बात से काफी अपसेट था। एक शो के दौरान उसे एक एंजल का ड्रेस पहनाया जाता है। इस बात से उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में लोगों को काफी बुरा कहता है। ऑस्कर अपनी मॉम से भी मिलता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ये सब छोड़ देगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन ऑस्कर उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। वो अपनी मॉम को भी गुड बाय बोलता है और एक नई जिंदगी जीने के लिए चला जाता है। मीडिया में ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है और कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि ऑस्कर की डेथ हो चुकी है। अक्सर न्यूज रिपोर्टर्स ऑस्कर की मॉम के पास आया करते थे लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती थी। इसके बाद काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और ऑस्कर के मॉम की भी डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि ऑस्कर एक नई जिंदगी जी रहा होता है। ऑस्कर ने अपनी दाढ़ी रख ली होती है और वो व्हील चेयर पे रहता था। उसने एक नई आइडेंटिटी अपना ली होती है और उसके आसपास के लोग भी उसे काफी पसंद करते थे। इन्हीं सब के दौरान वो एक दिन अपनी बचपन की दोस्त एगेटा से मिलता है और वो उसे उसके पिंक बैग से पहचान लेती है। ऑस्कर के पास अभी भी वो पिंक बैग होता है। ऑस्कर और एगेटा साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। टाइम के साथ साथ वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी करके एक साथ रहने लगते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।